ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां एक और देश में लॉकडाउन के चलते सभी लोगों के रोजगार पर बुरा असर पड़ा है और सभी लोग आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं। वहीं सीहोर की प्रिया जिदाने ने नोटों से भरा पर्स लौटाकर ईमानदारी की अनूठी मिसाल पेश की है। जब सुबह 11 बजे के आसपास प्रिया जिदाने बाजार से लौट रही थी, तब उन्हें रास्ते में रुपयों से भरा एक पर्स मिला। उन्होंने काफ़ी आसपास देखा कि जिनका पर्स है उन तक पहुंचे, लेकिन थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब उन्हें पर्स का कोई मालिक नहीं मिला तो वे उसे लेकर घर आईं। फिर उन्होंने उस घटना की जानकारी अपने भाई अश्विनी जिदाने को दी। फिर उन्होंने अपने कुछ साथियों के माध्यम से प्रेम नारायण जी, जो कि पर्स के मालिक हैं, उन्हें उनका पर्स पहुँचाया। प्राइम न्यूज 24 के लिए सीहोर ब्यूरो की खास रिपोर्ट। पहला तो पहली चीज तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि पर्स में कम से कम अपना नंबर जरूर लोग डाल के रखें कि कोई आदमी मदद करना चाहे। तो मैंने बहुत प्रयास किया, डायरी में कोई नंबर नहीं मिला, एक भाई का नंबर था, उनको लगाया तो वो कहने लगे कि मेरा मतलब मुझे लगा कि उनका कोई संपर्क नहीं है। फिर मैंने अपने परिचित लोगों को फोन लगाना चालू करा, उसमें एक पर्ची थी जहाँ नयापुरा लिखा था, तो मैंने फ़ोन लगाना चालू करा। फिर ऐसे करके धीरे धीरे हमारे नरेंद्र जी भाई ने कैसे लिंक बिठाई वो अब जानकारी यही देंगे। नरेंद्र जी, आपको जैसे अश्विन जी से सूचना मिली कि इनको इनकी बहन को एक पर्स मिला है, तो आपने क्या किया, थोड़ा जानना चाहूँगा। जैसा कि अश्विन जी ने बताया कि एक नया पूरा उसमें लिखा है और केवल व्यक्ति का नाम लिखा प्रेम नारायण ये, तो मैंने ठीक है अपन कोशिश करते हैं। तो मेरे पास में एक मेरे मित्र रहते हैं जहांगीरपुरा, मैंने उनसे पूछा जहांगीरपुरा के पास में कहीं नयापुरा गाँव, उन्होंने कि हाँ, क्योंकि उन्हीं के मैंने मुँह सुना था जहांगीरपुरा नयापुरा। तो मैंने कि आप देखो कि नयापुरा में कोई प्रेम नारायण नाम का कोई व्यक्ति है और उनका कोई सामान गिरा है। जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में पहुंचे तो मालूम पड़ा कि हाँ, एक व्यक्ति का सामान गिरा, पर्स गिरा और उसमें इतने पैसे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे उससे चीज़ से वो मेल खाया कि व्यक्ति शायद वो सही व्यक्ति है, तो हमने इनको बुलवाया और देखा कि आज ये वो सही व्यक्ति है जिनका ये नुकसान हुआ था। तो ये थे नयापुरा के प्रेम नारायण जी। प्रेम नारायण जी, ये पर्स आपका कब गुम गया था? 11 बजे टाइम, सुबह 11 बजे। तो ये आपके दूध के पैसे थे, तो आपको सूचना कैसे मिली कि पर्स मिल चुका है? ये हमारे एक दूध वाला है भैया, हमारे यहाँ लाता है दूध, उसने फोन करा कि तुम्हारा पर्स कुछ सामान गिरा तो है, बताया जो भी था। प्रिया जी, आज जो घटना क्रम आपके साथ रहा उसके बारे में बताएं, कैसे था? आज मैं बाजार गई थी तो मुझे वहाँ पे एक पर्स मिला। मैंने वहाँ पे कुछ देर वेट किया पर मेरे को आसपास कोई दिखा नहीं, और उसके बाद फिर मैं घर आई। घर आके मैंने पर्स को और खुद को सैनिटाइज किया, उसके बाद फिर मैंने भाई को बताया, फिर भाई ने उसमें जो पर्स में सामान देखा वो जो भी था, फिर भाई ने कॉल वॉल करा। तो आप बाजार किस काय से गई थी? बाजार में स्कूटी से गई थी।